अगर आपने पैसा आराम से कमाना शुरू किया तो वो ज्यादा बेटर होता है, बल्कि उसके कि आप पैसे को टेंशन लेके लोग कमा कह रहे रहे थे ना हैं। कि भाग जाएगी कंपनी, भाग जाएगी कह रहे थे ना कि बंद हो जाएगी इंडस्ट्री वाला। ये तो सर चीजें होती हैं, ये तो होती है। ये ना हो तो एग्जिट एग्जिट के के लिए लिए उपकरण बनाती है, उनको क्या बेनिफिट होने वाला है इसके अंदर। हमने HFCL को ज्यादा आंकने की एक तैयारी कर ली। उसके बदले जो उनको डिविडेंड मिला है ना 2022 में 126 करोड़ रुपए करीब का मिल गया है, यानी कि उन्होंने शेयरों को पॉजिटिव संकेत। आपको वोडाफोन आइडिया में देखना चाहिए, उसको आपको ध्यान से सुनना है इस वीडियो में। अब जो मैं कहने वाला हूं इसको आपको ध्यान से सुनना है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया की आज की जो वीडियो होने वाली है इसको आपको गौर से समझना है। इसके अंदर आपको आगे जाकर बहुत ही अच्छे दिशा दिख जाएगी जो आज की वीडियो होने वाली है। और बात करेंगे सर इंडस टावर की, और बात करेंगे सर HFCL को कैसे फ़ायदा हो सकता है जिस तरीके से दूर संचार विभाग चाह रहा है, और बात करेंगे सर डिविडेंड की। सर इन सब की बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने पैसा आराम से कमाना शुरू किया तो वो ज़्यादा बेटर होता है, बल्कि उसके कि आप पैसे को टेंशन लेके कमा रहे हैं। ध्यान रखना कि ज़िंदगी में ज़्यादा पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पैसा कमाना वो भी आसानी से बिना टेंशन लिए वो ज़्यादा बड़ी बात होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। जिस तरीके से हमारे पुराने लोग जो कहते थे कि जो शेयर मार्केट है भाई ये तो बड़ा ही बेकार गेम है, इसके अंदर जाना मतलब पैसों को बर्बाद करना, ये सारी बातें अब हमें याद आ रही है भाई ये तो गलत ही है, क्योंकि हमने इस चीज़ को परखा है। हमने किस चीज़ से शेयर मार्केट को परखा है सर? संयम से परखा है, लालच को कम करके परखा है, और सही दिशा पे काम करके ही मैंने इस मार्केट को समझा है, और मेरे देखने वाले भी इस तरीके से ही इस मार्केट को समझ रहे हैं। यानी कि हल्के हल्के पैसा, हल्के हल्के प्रॉफिट लेना हम सीख रहे हैं, वो ज़्यादा वैल्यूबल हो जाता है। जिस तरीके से पुराने लोगों की धारणा अब नए लोगों को समझ में आ रही भाई वो गलती धारणा थी, क्योंकि पढ़े लिखे इंसान ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। आपको ये भी जानना होगा कि जिस तरीके से ऋषि सुनक जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, उनकी जो पत्नी है सर अक्षिता, उनको जो इन्फोसिस में उनका जो शेयर थे उसके बदले जो उनको डिविडेंड मिला है ना 2022 में 126 करोड़ रुपए करीब का मिल गया है, यानी कि उन्होंने शेयरों को खरीदा और शेयरों को रखा, तो वो समय समय पर जिस तरीके से कंपनी डिविडेंड देती है तो उसके अंदर उनको 126 करोड़ रुपए का डिविडेंड मिला। अब ये बड़े लोग हैं सर, देखो सर ये बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, और हम जैसे लोग इन्वेस्ट करके उसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाना सोचते हैं। आपको डिविडेंड वाली कंपनियों पर ज़्यादा भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो सर आपके अकाउंट में तुरंत पैसा आ जाता है जब वो डिविडेंड देती है, उसमें माथा छप्पी करने की जरूरत नहीं है। हमें ऐसे शेयरों की तलाश करनी चाहिए जो डिविडेंड दे रही हो। इससे होता क्या है सर, इससे एक तो हमें टेंशन नहीं होती, इससे हमें ये नहीं होता है कि अब शेयर में होगा क्या, अब शेयर उतार करेगा, अब शेयर चढ़ाव करेगा, हमें तो डिविडेंड से मतलब है। जब आप कंपनी से डिविडेंड कमाना सीख लेते हैं, डिविडेंड कमाने की माध्यम जान लेते हैं, तो आपको शेयर के गिरावट और उछाल से फर्क नहीं पड़ता, जोखिम बहुत कम से कम हो जाता है, क्योंकि डिविडेंड जो कंपनी देती है उसमें हमें पैसा डालना एक सिक्योर हो जाता है कि भाई कंपनी डिविडेंड दे रही है। कंपनी डिविडेंड कब देती है? जब उसको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, तो यानी कि कंपनी जो भी डिविडेंड देगी वो अच्छी ही होती है, आपको समझकर चलना पड़ेगा। बार बार जो हम शेयर को देखते रहते हैं उससे हम बच जाएंगे, हम अपने काम जो करते हैं उसमें ज़्यादा ध्यान लगाएंगे, क्योंकि हमने तो डिविडेंड के लिए भी काम किया। बहुत से लोग सर, मेरा मानना है कुछ लोग जो हैं डिविडेंड पे काम करते हैं, तो हमें भी ऐसे शेयरों की सिलेक्शन करना चाहिए जो डिविडेंड देता हो, और एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जिसके अंदर हम डिविडेंड
वाले शेयरों को रखें और उससे ही पैसा कमाने की तमन्ना आगे तक ले जाए, और वो ही शेयर आपके मल्टीबैगर हो जाएंगे सर, वही आपके बच्चों के काम आएंगे, क्योंकि समय समय पर जो आपने डिविडेंड लिया उससे आपका काम चल गया, लेकिन जो आपने शेयरों को रखा डिविडेंड के लिए वो आगे जाकर मल्टीबैगर शेयर बनना बहुत उनको लाजमी है, तो वो हमारे बच्चों के लिए भी काम आएगा। तो ऐसी भी एक रणनीति हमें शेयर मार्केट में सर बनानी चाहिए। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, बहुत बढ़िया चीज है सर डिविडेंड, कुछ ना करने के बाद भी पैसा मिलता है, हमने पैसा डाला वो अपना आप जो कंपनी आएगा देगा जो भी मिल रहा है डिविडेंड। तो थोड़ी सी मंशा सर मेरी है कि हमें मार्केट से थोड़े टेंशन मुक्त होकर भी पैसा कमाना चाहिए, कब तक के हम स्टेट लेते रहेंगे और अपने को दिमाग को ख़राब करते रहेंगे। तो ध्यान रखिए सर, जब तक के हम सही होते हैं तब तक के हमारा साथ रहने वाले भी सही होते हैं। इस विचार को आज आपको गांठ बांधना है और डिविडेंड वाली कंपनियों पे अपनी नज़र रखनी है। जिस तरीके से बड़े बड़े लोगों की वाइफ हो गए, बड़े बड़े नेता हो गए, बड़े बड़े जो फिल्म स्टार है ना, वो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो डिविडेंड के लिए भी कई लोग जो है वो काम कर लेते हैं। तो ये एक दिशा मुझे अच्छी लगी है, जिस तरीके से मैंने आपको ये बताई तो आपको भी इसको समझना पड़ेगा। बीते दिनों जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि 21 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को जिस तरीके से RBI ने पिछले 3.5 साल बाद सबसे ज़्यादा पैसा बैंकिंग प्रणाली में डाला है, इसकी वजह से आपको बैंकों में तेज़ी देखने के मौके मिले, और मैंने कहा था कि यहां पर आपको अपने प्रॉफिट पे भी ध्यान देना है, क्योंकि पैसा RBI की तरफ से बैंकों में आया है, और जब RBI की तरफ से पैसा बैंकों में आएगा तो बैंक भी तो उसको पैसा वापस लौटाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो गिरावट आपको देखने को अभी मिल रही है बैंकों में, ये ऐसी चीज़ है कि ये अभी अपनी कमाई से जो तेज़ी थी उसकी वजह से वो नहीं थी, ये गिरावट जो है ये आपको आगे भी देखने को बैंकों में मिल सकती है, क्योंकि वो पैसा बाहर से आया, अपनी कमाई से नहीं आया। तो इस मेथड को भी आपको समझना है कि अगर आपको बैंक की प्रणाली में अच्छा दिमाग लगाना है तो उसके शेयरों को लेकर होल्ड करना है। ध्यान रखिए सर, RBI ने सबसे ज़्यादा 3.5 साल बाद पैसा डाला है 21 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को, ये मैंने वीडियो में आपको बताया था, और तेज़ी में लोग बह रहे हैं, जिनको बहना है वो नहीं समझेंगे, सारी बातों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब क्या वजह है जो HFCL जैसी घरेलू कंपनियां जो होती हैं, जो दूरसंचार के लिए उपकरण बनाती है, उनको क्या बेनिफिट होने वाला है, इसके अंदर हमने HFCL को ज़्यादा आंकने की एक तैयारी कर ली है, क्योंकि दूरसंचार विभाग ने कह दिया है या तो निजी कंपनियाँ जो होती हैं दूरसंचार वाली, या तो आप अपनी मर्जी से अपने अनुसार जो हमारी देसी कंपनियां हैं जो उपकरण बनाती है दूरसंचार के लिए, उनसे आप उनका उपकरण खरीदिए, नहीं तो इसे हमें अनिवार्य करना पड़ जाएगा। तो अब इससे क्या दिशा मिल रही है सर, जब HFCL जैसी कंपनियां दूरसंचार विभाग के लिए जो उपकरण बनाती है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत हमें HFCL में देखने चाहिए सर। क्यों चाहिए? क्योंकि सरकार यानी कि दूरसंचार विभाग इसको अनिवार्य कर रहा है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और दूरसंचार विभाग लगातार जो अपनी घरेलू कंपनियां, करीब 27 कंपनी इस तरीके जिन्होंने आवेदन किया है, उनको लगातार कह रहे हैं कि आप इस तरीके का उपकरण बनाइए, उनको प्रोत्साहन कर रही है। तो कहीं ना कहीं आपको अब ये देखना चाहिए कि हमें HFCL में जो है आने वाले दिनों में स्वदेशी चीज ही अपने दूरसंचार विभाग को उपकरण देते हुए दिखाई देंगे। इस पहलू को आपको ज्यादा से ज्यादा जानना चाहिए सर। अगर आपने ये बात समझी ना, तो आपकी जो रणनीति है शेयरों से पैसा कमाने की, कभी भी शेयर प्राइस के अनुसार नहीं जाएगी, बल्कि उसके काम के प्रति जाएगी। बहुत बड़ी बात है कि दूरसंचार विभाग कह रहा है भाई या तो खरीदो अपनी मर्जी से, नहीं तो इसको हमें अनिवार्य भी करना पड़ जाएगा, और जो शुल्क मूल्य जो होगा उसका अगर मूल्य आपको सार्वजनिक करना है तो पहले हमें बताना होगा। तो सारी की सारी चीज़ें आपको ये समझनी है कि घरेलू कंपनियां जो हैं जो दूरसंचार के लिए उपकरण बनाती है लेकिन वो स्वदेशी हैं, उनको ज़्यादा प्रोत्साहन करने के लिए दूरसंचार विभाग ने ऐसी रणनीति बनाई है जिसमें हमने HFCL को चुना है सर। तो आपको अपनी दिशा अलग से देख लेनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा समझनी चाहिए कि यहाँ पर HFCL मजबूत हो रहा है, यही एक रणनीति है जो आपको आगे जाकर पैसा ज़्यादा से ज़्यादा दिलाएगी। बात करेंगे इंडस टावर की, और इंडस टावर ने जिस तरीके से कहा था कि नवंबर में वोडाफोन आइडिया हमारा जो भुगतान है उसे कर दे, नहीं तो हम अपनी सेवा देना बंद कर देंगे सर, ये बीते दिनों बात आ गई थी, इसकी वजह से वोडाफोन आइडिया टूट गया था सर।
बीते दिनों ये बात आई थी, उस दिन से गिरावट वोडाफोन आइडिया में चल रही है। जिस तरीके से अब नवंबर आने वाला है, तो जो रणनीति वोडाफोन आइडिया ने भुगतान करने की बनाई है, उसे इंडस टावर ने मान लिया है सर। यानी कि लोग कह रहे थे ना कि भाग जाएगी कंपनी, भाग जाएगी कह रहे थे ना, बंद हो जाएगी इंडस टावर। ये तो सर चीज़ें होती हैं, ये तो होती है। ये ना हो तो एग्जिट कौन करेगा सर? फिर ये चीजें ना हो तो फिर एग्जिट कौन करेगा? और मैंने कहा है कि जब आप रणनीतियों को समझना शुरू कर देते हैं, गिरावट में उजाले देखना शुरू कर देते हैं, तब जाकर आप ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। दिसंबर तक ये वोडाफोन आइडिया इस तरीके से पैसा देगा या जनवरी 2023 में इनका 100% का भुगतान कर देगा ये वोडाफोन आइडिया भी मान गया है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। आपको पता ही है कि इंडस टावर का करीब 7,000 करोड़ रुपए का भुगतान वोडाफोन आइडिया को करना है सर। सारी रणनीति को आपको समझना चाहिए। जिस तरीके से नवंबर आने वाला है और अब इंडस टावर ने अपनी एक उजाले चीज दिखा दी है, यहाँ से वोडाफोन आइडिया तेजी के संकेत दिखाना शुरू आपको कर देगा। तो यहाँ एक पॉजिटिव संकेत आ गया। अब जो पॉजिटिव संकेत आपको वोडाफोन आइडिया में देखना चाहिए, उसको आपको ध्यान से सुनना है इस वीडियो में। अब जो मैं कहने वाला हूँ, इसको आपको ध्यान से सुनना सर। और अगर आपने ध्यान से ये सुना, तो आपको वोडाफोन आइडिया में चमत्कारी वाली तेजी देखने के मौके आने वाले दिनों में और अच्छी सी तसल्ली मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं, दूर संचार विभाग यानी कि डॉट ने कहा है कि जिस तरीके से जियो भी 5G लिया है, एयरटेल भी 5G लिया है, और BSNL अपनी 4G लॉन्च करने वाला है, और अगले साल वो 5G ले आएगा, लेकिन वहीं पर वोडाफोन आइडिया ने अपने 5G को चालू करने की पेशकश अभी तक नहीं बताई है। ये एक गंभीर विषय है सर। तो इसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए दूरसंचार विभाग ने कहा है कि आप दोबारे से अपनी व्यवसायिक रणनीति जो 5G लाने में किसी भी कारण से है, उसमें दोबारे से देखें, क्योंकि हम नहीं चाहते सर। एक अधिकारी ने क्या बोला है कि हम नहीं चाहते कि यहाँ पर दो प्लेयर रहें। उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पर 3 निजी कंपनी होनी चाहिए। वोडाफोन आइडिया हो गया सर, एयरटेल हो गया, जियो हो गया। अगर दो होती तो जियो और एयरटेल होता। उन्होंने क्या कहा है कि हम चाहते हैं कि यहाँ 3 रहे और एक सरकारी कंपनी रहे, यानी कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और BSNL मैदान पर रहेंगे। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। ये अधिकारी कह रहे हैं सर कि वो नहीं चाहते कि यहाँ 2 कंपनी रहे, वो चाहते हैं कि यहाँ तो 3 कंपनी तो प्राइवेट है और एक कंपनी गवर्नमेंट यहाँ पर होनी चाहिए, जो टेलको में अच्छा काम करने की दशा आगे तक दिखा रही हो। तो यहाँ पर क्या आ गया सर, यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को एक संजीवनी बूटी मिल गई है। जिस तरीके से सरकार ने ये बात रख दी, यानी दूरसंचार विभाग ने, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उनकी रणनीति थी वोडाफोन आइडिया की जो पहले व्यवसायिक में, उसके वजह से वो 16,000 करोड़ रुपए को इक्विटी में जो बदलने वाली है, वो कुछ नियमों के अनुसार बदलने वाली थी, जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया 5G लाएगा या वो करेगा, तो ये भी अधर पर अटका हुआ है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सरकार इसके अंदर अपना स्टेक नहीं ले रही, ये वोडाफोन आइडिया के लिए गंभीर विषय है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि बैंकों ने कह दिया था कि जिस तरीके से सरकार इसके अंदर अपना स्टेक लेगी, तब जाकर वो वोडाफोन आइडिया को ऋण देंगे, यानी कि लोन देंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब जिस तरीके से सरकार ही चाह रही है, यानी दूरसंचार विभाग चाह रहा है कि यहाँ पर 3 प्राइवेट कंपनी और एक सरकारी कंपनी होनी चाहिए, दोबारे से अपनी व्यवसायिक रणनीति को दोहराएं और 5G की जो भी आपकी अभिलाषा है उसको बताएं, तो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ जाएगा। लेकिन सर मजबूत हो गए इरादे, ध्यान रखना, यहाँ पर वोडाफोन आइडिया ज़्यादा मजबूत हो गया है। और वोडाफोन आइडिया जिस तरीके से अभी जो 1600 करोड़ रुपए भी जुटा रहा है, इंडस टावर भी मान गया है, और कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया 20,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए भी काम कर रहा है। अगर ये 20,000 करोड़ रुपए की न्यूज़ निकल कर आ गई ना, बड़ी तेजी इसके अंदर आने वाली है। और सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि इसके अंदर जिस तरीके से वो अपने स्टेक नहीं ले रहे हैं, ये वोडाफोन आइडिया के लिए ख़राब हो सकता है, क्योंकि बैंकों ने कहा है जब तक सरकार इसके अंदर स्टेक नहीं लेगी, तब तक के हम लोन भी नहीं दे सकते। इस तरीके की बात आ रही है सर।
तो 20,000 करोड़ रुपए जिस तरीके से जुटा ले, या सरकार इसके अंदर स्टेक ले ले, या वोडाफोन आइडिया आप बता दे भाई कब हम अपना 5G लाएंगे, क्योंकि BSNL तो 4G लाने वाला है और अगले साल 5G की भी तैयारी करने वाला है। तो यहाँ पर एक अच्छा विषय जो बन गया है कि 3 निजी कंपनी, तो अब यहाँ धैर्य बना लीजिए सर थोड़ा सा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के यहाँ पर चमत्कारी दरवाजे जो हैं दूर संचार विभाग ही खोल रहा है कि एक बार देख लो भाई, एक बार रणनीति दोबारा से बनाओ, तो फिर उसके बाद सरकार भी आ सकती है, फिर लोन भी आ सकता है बैंकों की वजह से, फिर 20,000 करोड़ रुपये जो आप कर रहे हो वो भी हो सकता है। और फिलहाल तो राहत ये मिल गई है कि इंडस टावर मान गया है, तो आपको सारी रणनीति जो है सर मार्केट में बनानी पड़ेगी। अगर आपने आज की वीडियो को दिल से समझ लिया, भले तेजी ना आए, भले गिरावट हो जाए, लेकिन यहाँ पर एक अधिकारी ने मजबूत कर दिया है, तो इस मजबूती की ओर आपको वोडाफोन आइडिया को देखना चाहिए। फिर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसके अंदर नहीं लेने चाहिए, जो है उसको होल्ड करने चाहिए, एवरेज करने का बिल्कुल भी मन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अच्छी तरह और ज़्यादा निखर के सामने नहीं आएगा, यानी कि ये प्लानिंग सामने नहीं आएगी, तब तक के इसके अंदर और ज़्यादा हमें तेज़ी के संकेत और वो चीज़ें जो हमें देखनी है वो हमें नहीं मिलेंगे। तो सरकार यहाँ स्टेक ले ले सर, और वोडाफोन आइडिया अपना 5G का बता दे, 20,000 करोड़ रुपये जो आए वो बता दे, लेकिन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा परे रखो और ये सोचो कि यहाँ 3 कंपनी रहेगी। सर पैसा तो तभी कमाएगी ना कंपनी जब वो मार्केट में रहेगी, ध्यान रखना सर, पैसा कंपनी तभी कमाएगी या हम कमाएंगे जब हम मार्केट में काम करेंगे। जब हम मार्केट में काम ही नहीं करेंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे। वो बीते दिनों इंडस टावर ने जिस तरीके से धमकी सी दे दी थी ना एक, भाई पैसा दो, उस वजह से तो टेंशन आ गई थी और सब कह रहे थे VI बंद हो जाएगा। सर इतनी आसानी से सरकार बंद नहीं होने देगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि 2 कंपनियों के पास ही पूरा साम्राज्य रहे, वो चाहती एक सरकारी भी रहे और 3 प्राइवेट भी रहे। तो आपको डिविडेंड पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए सर, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और जिस तरीके से स्वदेशी उपकरण जो हैं दूरसंचार विभाग के लिए बनते हैं उसमें सरकार अनिवार्य कर देगी, इसके अंदर आपको HFCL मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। और बैंकों में जिस तरीके से RBI ने पैसा डाला है वो तेज़ी के संकेत तो दिखा चुका है, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरावट भी आपको दिखाने के लिए बैंक आगे जाकर तैयार हो सकते हैं। अभी नहीं हो, तेजी भी दिखा सकते हैं, लेकिन संभल कर चलना पड़ेगा आपको। और आपको यह समझना पड़ेगा वोडाफोन आइडिया आप थोड़ा सा मजबूत हो गया, इंडस टावर आपको देखकर चलना पड़ेगा, क्योंकि वो भी अब टावरों के लिए भी ज्यादा से ज्यादा काम करेगा। जिस तरीके से अश्वनी वैष्णवी जी ने कह दिया कि प्रति सप्ताह 10,000 टावर लगना जरूरी है, ये वो उनकी तरफ से कहा गया एक बयान है, फिर भी देखेंगे क्योंकि अभी तो 2500 करीब टावर ही लग रहे हैं। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।